podcast. Good afternoon all. मैं अंजना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, मैं आपके समक्ष वेक्टर इंसेक्ट पर प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ. वेक्टर इंसेक्ट वे होते हैं जो बर्ड्स, छोटे एनिमल्स, रोडेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बीमारियों या डिजीज को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर करते हैं. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इन वाहक या वेक्टर को कंट्रोल कर सकें. इनको कंट्रोल करने से मनुष्य में बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है. गोल, इस प्रेजेंटेशन का गोल क्या है? हम लोगों को इतना अवेयर करें या एजुकेट करें कि वे डिजीज कॉजिंग वेक्टर को कंट्रोल कर पाए. एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, नंबर 1, स्पाइडर, लाइस, माइट एंड फ्ली. स्पाइडर इंट्रोडक्शन. स्पाइडर आर एयर ब्रीथिंग आर्थ्रोपोड्स. इनके 8 लेग्स होते हैं. इट हैज कैल्केरिया. स्पाइडर के जॉ होते हैं जो जिसमें फैंस पाए जाते हैं, जो विष या टॉक्सिन को इंजेक्ट करता है. इनके 8 पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं वो 8 होते हैं, जो शिकार करने वाला तथा अनसेगमेंटेड बॉडी वाला फ्यूज अर्थात हेड एंड थॉरिक्स होता है और एब्डोमिन राउंडेड होता है. मकड़ी या स्पाइडर जाला या वेब बनाता है जिसके द्वारा वह इंसेक्ट को पकड़ता है. डिजीज कॉज्ड बाय स्पाइडर. इसके द्वारा जो डिजीज होती है, नंबर 1, मसल पेन और क्रैम्पिंग. रेडिश टू पर्पलिश कलर ऑफ ब्लिस्टर. इंक्रीज्ड स्वेटिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. हाई ब्लड प्रेशर. फीवर. नौशिया. रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी. स्पाइडर कंट्रोल मेथड, नंबर 1, स्पाइडर को कंट्रोल करने के मेथड हैं जो कपड़ा होता है, शूज होते हैं, टॉवेल होते हैं, कोई भी आपका सामान हो, यूज करने के पहले उसको देखें तथा उसको शेक करें. नंबर 2, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहने. लॉन्ग पैंट एंड लॉन्ग स्लीव्स वाले शर्ट पहने. 2 सामान के बीच में एम्प्टी स्पेस कम करके रखें. कूड़ा कचरा को रिमूव करना चाहिए. बाहर के एरिया के घास को ट्रिम करें या उसे साफ करके रखना चाहिए. कोई भी सामान या क्लॉथ को अलमीरा की बजाय प्लास्टिक बैग्स में रखना चाहिए. हर 10 साल में टिटनस का इंजेक्शन लगाते रहना चाहिए. नंबर 2, फ्लाइज. घर में जो मक्खियां होती हैं वह फ्लाइज कहलाती हैं. नंबर 1, यह मानव को सबसे ज़्यादा समीपस्थ या क्लोज होती हैं. जो घर में कॉमन हाउस फ्लाई पाई जाती हैं, उनका कलर माउस ग्रे होता है. बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. नंबर 4, किसी को भी यह इंजेक्ट नहीं करती हैं. यह खाद्य पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और सेंस तथा स्मेल की तरफ अट्रैक्ट करती हैं. इनके द्वारा जो डिजीज होती हैं, नंबर 1, डायरिया. नंबर 2, कॉलरा. नंबर 3, ट्यूबरकुलोसिस. नंबर 4, लूज मोशन. कॉमन केबल डिजीज एंड स्प्रेड. कंट्रोल मेजर्स फॉर फ्लाइज. नंबर 1, एनवायरमेंट कंट्रोल. जहाँ जहाँ मक्खी पैदा हो सकती उस एरिया को में साफ सफाई रखना चाहिए और अपना सराउंडिंग भी क्लीन रखना चाहिए. ए क्लीन हाउस विथ क्लीन सराउंडिंग्स इज द बेस्ट आंसर टू द फ्लाई प्रॉब्लम्स. इंसेक्टिसाइडल कंट्रोल. जैसे DDT, BHC का छिड़काव करना चाहिए जिससे फ्लाइज या मक्खी कंट्रोल हो पाए. फ्लाई पेपर, ऐसा पेपर होता है जिसमें कि फ्लाइज या मक्खी चिपक जाती है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लाइज. मकानों या हाउस को चेक करना चाहिए. मार्केट रेस्टोरेंट को चेक करना चाहिए. हेल्थ एजुकेशन, हम सभी को अवेयर कर सकते हैं कि कहीं भी पानी का जमाव ना हो और फ्लाइज का ब्रीडिंग ना हो. टिक्स या छोटे पैरासाइटिक जीव होते हैं
जो कि मनुष्य व जानवर का खून चूसते हैं और इसी प्रोसेस से एक दूसरे में बीमारी या डिजीज को वो फैलाते हैं। ये कभी उड़ते नहीं हैं और हवा में फैलते नहीं हैं। यह बड़े बड़े घास या ग्रासेस में रहते हैं और क्राउल करते हैं या रेंगते हैं। इनके द्वारा जो डिजीज होती है, नंबर वन लाइम डिजीज, ये एक प्रकार का अर्थराइटिस होता है। नंबर टू रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, बुखार, इसमें बुखार, सर दर्द, जॉइंट्स में पेन होता है। नंबर थ्री बेबीसियोसिस, यह मलेरिया की तरह ही फीवर होता है जो आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन ग्रेन्युलोटिक या एनाप्लाज्मोलिसिस, यह इसमें भी फीवर आता है। कंट्रोल, टिक्स को रिमूव करना चाहिए। नंबर टू पेस्टिसाइड्स को अप्लाई करना चाहिए। नंबर थ्री टिक्स को हैबिटेट को नष्ट करना चाहिए, इन्फेक्शन से बचना चाहिए। माइट्स, माइट्स मनुष्य के अंदर एक या दो महीने तक भी रह सकते हैं, मनुष्य के शरीर के बाहर केवल दो या तीन दिन रहते हैं। माइट्स तब मर जाते हैं जब हम 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अप्लाई करते हैं 10 मिनट तक। डिजीजेस, नंबर वन एंजाइम एक्जिमा, हे फीवर, कंजक्टिवाइटिस, एंजिमा एक्जिमा, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। लाइज या जुआ, या मनुष्य का रक्त चूसता है, मनुष्य के हेड बॉडी और प्यूबिक एरिया को इन्फेक्ट करता है। थ्री टाइप्स की जू या लाइज होती हैं, नंबर वन हेड लाउज, नंबर टू बॉडी लाउज एंड नंबर थ्री प्लाउज। डिजीजेस, ईचिंग या खुजली होती है, बॉडी में रेशेज हो जाते हैं, स्किन में स्पॉट हो जाते हैं, रेड रेड स्पॉट होते हैं, स्किन डार्क हो जाती है जहाँ लाइज होती है। फ्लीज, फ्लाई और फ्लीज में अंतर यह है कि फ्लाई जो रहती है वो काटती नहीं है, वह भोजन या फूड को टारगेट करती है, जबकि जो फ्लीज होती है वह एनिमल के बाल में रहती है, कैट और डॉग के फर में पाई जाती है। ये फ्लीज होती है वह इंसान को अफेक्ट करती है। डिजीजेस, इसके द्वारा जो डिजीज होती है वह रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है, शार्प नीडल्स लाइक पेन और ऑन स्किन, स्मॉल पिंक स्पॉट्स ऑन बॉडी, बॉडी एक होता है इसमें एंड वीकनेस आती है। थैंक यू।